हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रिएक्ट विद वाटर टू गिव ईथेन। वी हैव सबसे पहले मीथेन, देन ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देन C2H5O, देन C2H5, दैट इज ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा सिंपली यूज होने जा रहा है दैट इज रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, विच इज RMGX। इसकी रिएक्शन हम अब यहां पे क्या होता है, यहां पर इस पर Mg दैट इज मैग्नीशियम, ये इस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है बिकॉज इट इज मेटल। तो यहां पर डेल पॉजिटिव आ रहा होता है, यहां पर आ रहा होता है डेल नेगेटिव। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत ही अच्छी तरीके से एक एसिड बेस रिएक्शन देता है। मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड मान लेते हैं हाइपोथेटिकली जिसके पास एसिडिक एच प्लस है, तो यहां से जो है ये एच प्लस हमारा लूज हो जाएगा, आर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और इस पर जब पॉजिटिव आएगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव वाला इससे इससे जाके अटैच हो जाएगा। सो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RH प्लस MgXA, ये प्रोडक्ट मिलेगा अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी। दूसरा सिंपली वही हो सकता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा आर नेगेटिव, तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर भी अटैक कर सकता है। तो सिंपली हमारे पास यही होता है। सो दिस इज हमारे पास व्हाट हैपेंस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रिएक्ट करता है, दैट इज सी डबल बॉन्डो। यहाँ पे डेल पॉजिटिव आया था, यहाँ डेल नेगेटिव, तो ये ग्रिगनार्ड का आर नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देता है स्ट्रॉन्गली, तो ये भी हमारे पास रिएक्शंस होती हैं और एसिड बेस भी होते हैं। तो सिंपली हमें नेगेटिव पॉजिटिव से हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू गिव ईथेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखी है मीथेन दैट इज CH4, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारे रिएक्शन ही नहीं होगी मीथेन, बिकॉज हमारे पास एक कंप्लीटली नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है, नॉन पोलर कंपाउंड भी है, ये बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव भी होता है, और यहाँ हमारे पास हम देखेंगे तो एक दूसरे में इनसॉल्यूबल भी हो रहेंगे। सी ऑप्शन की बात करें दैट इज हमारे पास है इथेनॉल, तो इथेनॉल वाटर में जाके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट इट इज हाईली सोल्यूबल, बस जस्ट ये हमारे पास खाली सोल्यूबल होता है इन वाटर में, रिएक्शन कोई हमारे पास नहीं ऑब्जर्व होगी। नेक्स्ट वी हैव दिस दैट इज ईथर, तो अगेन ईथर हमारे पास एक सॉल्वेंट की तरह यूज हो जाता है, पोलर सॉल्वेंट की तरह, तो ये वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हमें दो लेयर्स देखने की मिलेंगी, तो ये वाटर में बेसिकली ईथर तो इनसॉल्यूबल होते हैं, तो रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं होगी। तो दो लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी जब हम ईथर में ऐड करेंगे। नाउ द थिंग इज दैट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज C2H5MgBr, C2H5MgBr, इसकी रिएक्शन अब करानी है वाटर के साथ। सो वाटर में क्या एसिडिक हाइड्रोजन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यस यहाँ पे हमारे पास होता है एच प्लस, ओ एच माइनस में ब्रेक हो सकता है। यहां पर मैं देखूं तो कार्बन पर मेरे पास आ जाएगा डेल नेगेटिव, इस पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो एच प्लस है ये हमारे पास इधर आ जाएगा, और ये जो एम जी बी आर है ये इसको ले जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा लेट्स सी। तो यहाँ पे फाइनली व्हाट वी विल गेट इज C2H5 में हमारे पास एक एच जुड़ गया, सो इट विल अल्टीमेटली बिकम C2H6, तो यहाँ पे हमें मिल चुका है इथेन, प्लस साथ में जो बाय प्रोडक्ट होगा दैट इज मैग्नीशियम के पास एक बी आर तो अटैच था, साथ में OH भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास मिला है हमें बाय प्रोडक्ट। सो दिस इज माई फाइनल आंसर कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट दैट इज दिस, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू गिव मी दैट इज माई इथेन। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।